तो दोस्तों ये है Redmi का Redmi 10 और इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है। ब्लू कलर वाला है 4GB 64GB वर्जन, इसका बहुत सारे वीडियो जैसे बताया चैनल के ऊपर आ चुका है। अगर नहीं देखे तो बहुत सारे क्या लगभग सब कुछ आ चुका है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे, रिक्वेस्ट में बहुत सारे लोग पूछे थे कि ऐप लॉक कैसे करते हैं और मैं स्ट्रिप सेंटरिंग सेटिंग यूआई के टाइम में भी बता दिया था कि कैसे करते हैं, वो बताऊंगा एक अलग से वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे उसी के बारे में कि ऐप लॉक और ऐप हाइड, सिर्फ ऐप लॉक नहीं बताऊंगा, किसी भी ऐप को आप हाइड कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे बताया कि आज हम बात करेंगे MIUI 13 भी बोल सकते हैं और Redmi 10 बोल सकते हैं, क्योंकि Redmi 10 फ़ोन है और MIUI 13 जो जिस भी फ़ोन में रन कर रहा है उसमें कैसे ऐप को लॉक करते हैं और कैसे ऐप को हाइड करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही छोटा वीडियो होगा, जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग के ऊपर। तो सेटिंग में जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप्स, ये देखिए ऐप्स दिख रहा है, ऐप्स में जाना है और यहाँ पे देखिए ऐप लॉक दिया गया है। इसको क्लिक करेंगे और पहली बार करेंगे तो वहाँ पे मांगेगा वो फिंगरप्रिंट देना है कि नहीं, और ये देना है कि नहीं, वो देना है कि नहीं, वो मांगेगा। फिंगरप्रिंट मैं दिया हूँ ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे कौन से ऐप को आप लॉक करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं गैलरी को लॉक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप गैलरी को लॉक कर दीजिए। ये देखिए ऑन हो गया यहाँ पे। अब हम जाते हैं और गैलरी को ओपन करके देखते हैं, तो ये है गैलरी और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, तो ये मैं दिया हूँ और फिंगरप्रिंट भी दिया हूँ। तो जैसे मैं फिंगरप्रिंट को ओपन करता हूँ ये देखिए मेरा गैलरी ओपन हो गया है। और एक ऐप को भी लॉक करके देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं वापस सेटिंग में, उसके बाद ऐप्स में और ऐप लॉक, और यहाँ पे हम कर देते हैं अमेज़न को करते हैं लॉक। तो ये है अमेज़न, तो इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, तो ये देखिए लॉक हो गया है। और यहाँ पे मैं इसको ये देखिए ओपन हो गया। तो इस तरह कुछ आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इसको मैं मिनिमाइज करके हटा भी दिया तभी भी ये खुल रहा है, लॉक नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुल जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक क्यों नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा चीज़ है, आप एक बार इसको लॉक कर देंगे, अब ये हम खोलेंगे तो ये देखिए लॉक मांग रहा है। तो जितनी बार ये अगर आप ओपन एक बार कर दिए हैं तो सिंपल है, उसके बाद एक बार लॉक कर देना और ओपन कर देना, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह ये काम करता है, ऐसा नहीं कि, और इसका सेटिंग भी है, अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते, वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ध्यान रखिए जब भी आप एक बार किसी ऐप को लॉक कर देते हैं तो उसके बाद एक बार यहाँ पे पावर बटन को ओपन ऑन कर देना यानी कि लॉक कर देना, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। उसका सेटिंग भी है, सेटिंग भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप पे जाइए, ऐप लॉक पे जाइए और यहाँ पे देखिए सेटिंग, सेटिंग में यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, लॉक सेटिंग का ऑप्शन है, व्हेन डिवाइस इज लॉक, उसके बाद लॉक होगा और क्या कुछ है, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप चाहे तो डायरेक्टली सब ऐप को एक बार में ही लॉक लगा सकते हैं, वो भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये तो हो गया लॉक कैसे करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह लॉक होता है। फिर लॉक करना है और उसके बाद अगर एक बार आप ओपन कर दिए तो ये खुला है, लेकिन उसको लॉक करने के लिए क्या है, तो इस तरह कर देंगे तो उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। तो ये तो आपको लॉक के बारे में पता चल गया। आप ऐप को हाइड करना है कैसे उसके बारे में बता देता हूँ। उसके लिए भी जाना है आपको सेटिंग में, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको हाइड ऐप। तो यहाँ पे हाइड, ये देखिए हिडन ऐप आ रहा है, सिक्योरिटी में आ रहा है ये। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐप दिखेंगे, तो जिस ऐप को आपको हाइड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको अमेज़न को हाइड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अमेज़न है, इसको क्लिक कर देना, तो ये देखिए ये हाइड हो गया। अब यहाँ पे आपको अमेज़न ऐप दिखेगा नहीं, कहाँ पे दिखेगा और कैसे उसको ओपन करना है, तो सिंपली आपको इस तरह करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको हिडन ऐप का आइकन मिल जाता है, तो ये टोटली गायब हो जाएगा, स्टार्टिंग में कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे और उसके बाद लॉक अनलॉक नहीं करेंगे उसके बाद ये दिखेगा भी नहीं। तो कुछ इस तरह ये आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप डायरेक्ट भी, सबसे इजी जो है जो मुझे लगता है इजी सबसे है वो है क्या, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे हाइड ऐप टाइप कर देना, ये देखिए आ गया, हिडन ऐप्स आ जाता है, इसको आप क्लिक कर देना और ये हो जाएगा। आप दूसरा किसको हम यहाँ पे हाइड करते हैं, तो पबजी को यानी कि बैटल ग्राउंड इंडिया को हाइड करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हाइड कर दिया, अब यहाँ पे देखिए पबजी नहीं दिखाई देगा, कहाँ पे दिखाई देगा, सिंपल है
इस तरह करिए और ये देखिए यहाँ पे आ गया। हटाना कैसा है तो वो भी सिंपल है, यहाँ पे जाइए हिडन ऐप पे जाइए, एक बार ओपन करिए और यहाँ पे ये ओपन हो गया और ये देखिए ऑन आईडी भी हो गया यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से आप ऐप को लॉक कर सकते हैं Redmi 10 या फिर कोई भी MIUI 13 में, और साथ साथ कुछ इस तरह से आप ऐप को हाइड भी कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो यहाँ पे कर देना, और इस वीडियो को तो कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया तो जल्दी से लाइक कर देना, और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टेक यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।